और आइए आपको लेकर के चलते धार जिले की आज की इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम सेजवानी से, जहां पर एक युवक को लड़की से मोबाइल पर बात करना इतना महंगा पड़ा कि लड़की के परिजनों द्वारा उसकी पिटाई कर गंजा कर गाँव में निर्वस्त्र घुमा दिया गया। जी हाँ, पूरा मामला पीथमपुर के सेजवानी ग्राम का है, जहाँ विजय नामक युवक के साथ मारपीट कर सिर के बाल काट निर्वस्त्र कर गाँव में घुमाने का सनसनीखेज मामला आया है सामने। युवक के अनुसार ग्राम सजवानी के ही रहने वाले लाखन नामक युवक ने घर बुलवाकर उसकी बहन से फोन पर चर्चा करने की बात को लेकर पहले तो डंडों से की जमकर मारपीट और फिर उसके सर के बाल काट चप्पलों की माला पहनाकर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। पीड़ित विजय के अनुसार लाखन और उसके साथियों द्वारा फोन पर उनकी बहन से बात करने की बात को लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जैसे तैसे स्थानीय लोगों की सहायता से अपनी जान बचाकर पीथमपुर थाने पहुंच घटना पर शिकायत दर्ज करवाई है, जहां पीथमपुर पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर घटना के जिम्मेदार तीन आरोपी लाखन, जीवन और रवि को हिरासत में लिया और पूरे मामले को लेकर पीथमपुर पुलिस जुटी है जांच में। देखते रहिए धार न्यूज चैनल। घर पे से बुला के ले जाए उनके घर पे, कई लाखन ने बुला रहा, मैं घर पे गया तो मारना चालू कर दिया, कि मार लगा ताला लगा बेटेसन लकड़ी से मारना चालू कर दिया, फिर दूसरी लड़की ने कहा इसको मारना चालू करा, फिर एक लड़के बुला इसको मारा, फिर इसके बाद मेरे को ले, फिर कपड़े निकाले, बाल काटे, फिर अंडरवेयर में निकल रहे, अंडरवेयर में निकाल के फेंक दिया, फिर मैं वो चप्पल की माला फेराई, पूरे गाँव में मोहल्ले ने सब तुर घुमा चुराए पिलाए, फिर राकेश अंकल ने कहा कि इसको कपड़े फिराओ, कपड़े फिराए थे तो निवस्त्र आपको करके पूरा मोहल्ले में घुमाया, सब दूर सब दूर। तो आपने क्या किया था जो आपको ऐसा किया? सर मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो कहते कि छोरी ना काक मारता है, अच्छा मैंने कुछ भी नहीं करा था। ये कोई बालक बालिका को किसी ने बात करते हुए देख लिया था आरोपी ने, मोबाइल पर किसी ने इसकाल की बात को लेके विवाद इनका हुआ था, तो इन्होंने बताया कि तुमने मेरी बालिका से बात की, उन्होंने कहा मेरी बालिका से बात मैंने नहीं की, उनने फ़ोन लगा था, इस बात को लेकर इनमें विवाद हुआ था और इसी बात को लेकर लड़के को उन्होंने घर में बुलाया था और लड़के को घर में बुला के बंद कर दिया कमरे में और गंजा कर दिया और उसको गांव में निर्वस्त करके घुमाया और जान से मारने की धमकी दी।